नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सिवारी हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। और वीडियो बताने वाला हूँ, सुर्खियाँ चल रही सिंध नदी की, सिंध नदी की पूरी यात्रा बताने वाला हूँ। कितना उसका विशाल रूप चल रहा है, सिंध नदी कितनी चढ़ रही है, पुल डूब चुका है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें। हमें अब पेट्रोल पंप डाला, पेट्रोल डाल रहे हैं और हमारे दोस्त हमारे साथ अब देश वजह चल रहे हैं नदी पे, सिंध नदी का जो विशेष भव्य रूप चल रहा है उसको बताने के लिए। तो ग्राम मसल्ला निकल चुके हैं भाइयों, यात्रा अभी चालू है। सब वो नदी तरफ जा रहे हैं देखने के लिए, सिंध नदी का विशाल शुरू देखें साहब, गाड़ी है घोड़ा। यो देखिए आप सिंध नदी का विराट रूप, ये विदिशा से चल के चंबल में मिलती है दोस्तों। भाई 5 दिनों से इसका विराट रूप चल रहा है, सीपी जिले में कई पुल टूट चुके हैं इस पर दोस्तों। ऊपर बहुत बारिश हुई है कल, गुना में ही बहुत बड़ा आई है। और ये आपको सिंध नदी मिलेगी, असूर नगर और गुना जिले को जोड़ने वाली सीमा पे है सिंध नदी दोस्तों। देखेंगे आप चाहे तो पानी पानी आपको बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग पानी में जा रहे हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा भाई बताना उनको। देखे आप पानी में रिक्स लेके जा रहे हैं भाई, कब्जेस खिल रहे हैं जी, इसका विराट रूप आप देखेंगे, चाहे तो पानी पानी नजर आएगा। और पानी देखेगा आपको गुना असूनर की सीमा पे लहर घाट के स्थित नईसरा है। और घर से मैंने पूरा वीडियो बनाया दोस्तों, पूरा वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको, आप देखेंगे अभी दिन भर लग जाएगा उतरने में, अभी पानी थम चुका है। और 5 दिन से इसको डबरा सिपरी सोपुर इस नदी का प्रकोप चला है दोस्तों, बहुत ही आपको नजारा दिखेगा। चाहे तो पानी पानी पेड़ दूर डूब चुके हैं और आगे पुल भी डूब चुका है, पूरा रास्ता जाम है। गुना सुनगर से यात्रा करने वाले, ईसागढ़ से यात्रा करने वाले सब बंद है टोटल। देखें दोस्तों इसको पूरा, देखें भाइयों ग्राम के आसपास के लोग सब देखने आए नदी को, और बहुत जोर से नदी चढ़ी हुई है। नदी नहीं सिंध नदी का भी आपने चर्चा सुनी होगी, अभी तक इसका नाम नहीं सुना होगा। विदिशा जिले के छोटी सी तहसील से नदी बहती है और आगे जाके चंबल मिलती है, विराट रूप मेरी जिंदगी में अभी देख रहा हूँ उसका दोस्तों। देखें देखें भाई पब्लिक कितनी खड़ी है, बैरिकेडिंग की रखी है पुलिस ने, प्रशासन मौजूद है। पानी पानी चारों तरफ दिख रहा है दोस्तों। ये दो भाई जा रहे हैं हमारी नदियाँ पार करने के लिए, रिक्स पे लेके और गया भैया करने जा रहे हैं, वापिस लौट जाना, जाओ जाओ भाई नदिया जो तो पहले बोले हो नदिया।